वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद सास बहू में बहुत बहुत वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, आज है 7 मुहर्रम। आज हमारे यहाँ शरबत बन रहा है और मलीदा, तो और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी भी इस वक्त बारिश बहुत हो रही है। अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखें। अबू भी बाहर हैं और कितने लोग बाहर रास्ते में फंसे हुए हैं जो अभी तक घर नहीं पहुँचे। अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में खैर खैरियत से घर पहुँचा दें। आमीन आमीन आमीन। 7 मुहर्रम के हवाले से आज हम शरबत बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने लिया है 4 किलो दूध। ये हमने 4 किलो दूध ले लिया, इसको हमने पका लिया अच्छे से। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तकरीबन आधा किलो चीनी है, मैं थोड़ी थोड़ी करके ऐड करूँगी और टेस्ट भी चख लूँगी ताकि उसी हिसाब से मैं उसमें चीनी ऐड करूँ। आपको जितना मीठा पसंद हो आप उस हिसाब से उसमें चीनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। बिस्मिल्लाह पढ़ने से अल्लाह पाक बहुत बरकत देता है और आप जो चीज़ बना रहे होते हैं उसमें भी बहुत बरकत होती है, इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ने से काम में बहुत बरकत हो जाती है। बिस्मिल्लाह पढ़ा करें। अल्लाह के नाम से जो काम शुरू होता है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर। पिसा हुआ खोपरा, बादाम पिस्ता ऐड करेंगे थोड़ा गार्निश के लिए, रू अफ्जा ऐड, बस ये रेडी हो गया हमारे शरबत। जेली ऐड कर देंगे, बस बारिश की वजह से ग्रीन मिली है, बस वही है रेड जेली। हाँ ये हमने बर्फ़ ऐड किए, बस हमारा शरबत अब रेडी है। और मलीदा बना रहे हैं। 7 तारीख है आज मुहर्रम राम के, ये हमारे यहाँ मलीदा बनता है। और ये मैंने 2 प्याले आटा लिया और उसमें लिए 3-4 चम्मच सूजी के हैं, ये इसको मिला के हम इसमें घी डालेंगे। इसके अंदर 2 से 3 चम्मच घी के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कर लिया ना इसके अंदर, अब इसको नीम गर्म पानी से ऐसे भून लेंगे। इसमें और अम्मी आटा कैसे गूंदना है, नरम? हाँ जैसे हमारे यहाँ रोटियाँ पकती हैं बस वैसे ही आटा थोड़ी देर रखेंगे ना तो ज़रा सेट हो जाए। मालिश सही करनी है अच्छी तरह, इसको रखेंगे फिर उसकी रोटी बनाएंगे। अच्छा सही है, हमने पेड़े बना लिए हैं, अब इसकी रोटी बेलेंगे। ये रोटियां बन गई हैं, अब इसका मलीदा बना रहे हैं हम। गरम रोटियां ना सब पिघल जाएगी।
इसके भी डालते हैं लोग, मगर मेरे को किसी में चीज़ याद ही होना चाहिए। में चीनी और घी डाल दिया, उसके बाद क्या डालेंगे अम्मी इसमें? ये चूरा करके डालूंगी ना, वो इलायची पाउडर अच्छा, और किशमिश खोखरा अच्छा, थोड़ा सा केवड़ा डालूंगी, हो गया तैयार। बाहर देखें इतनी बारिश हो रही है, लग ही नहीं रहा कि सात मोहरम है। सात मोहरम में बाहर कितना ज़्यादा लगता है कि रश हो रहा है, लोग जा रहे हैं, शरबत बांट रहे हैं हर जगह, और बाहर बारिश हो रही है तो लग ही नहीं रहा कुछ भी। अबू भी रास्ते में है अभी तक, मतलब बहुत हज़ारों लोग फंसे हुए बेटा, हज़ारों लोग। अल्लाह से दुआ करो सब खैरियत से पहुँचे। ये क्या कहते हैं, बारिश का मसला अल्लाह पाक जल्दी ख़त्म कर दे, वरना ये बारिश है वो बहुत बड़ी जहमत बन गई है लोगों के लिए। बता रहे हैं शाम में और बारिश होगी अभी, अभी बताए वो कोने की जो दुकान है उसमें पानी भर गया, सारा उसका सामान खराब हो गया। इलायची पाउडर, इलायची पाउडर, ये खोखरा पिसा हुआ खोखरा, ये किशमिश, मैंने अच्छी तरह साफ करके इसको धो लिया। बादाम पिस्ते डाल दें, ये हो गया। अब एंड में इसमें डाल देंगे केवड़ा एसेंस, और ये हमारा मलीदा बिल्कुल रेडी है, और ये है हमारे शरबत और मलीदे का फाइनल लुक। आप भी ट्राई करिए, बताइए साथियों को, सबके घरों में बनता है ये 7, 9, 10 को, आप लोग भी ट्राई करें, बताइए कैसा लगा। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, कुकिंग विद साथ हो, उससे मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।